अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, और जो है बस मामला चल रहे हैं कुछ अजीब से, तो इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था। आज जो है हम अपने किचन में मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और क्या हो रहा है, क्या करना है, अभी आपको सब दिखाते हैं। प्रेपरेशन सारी हो चुकी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमने टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज, चिकन और ये सारी चीज़ें जो है ना ये रख ली हैं अपने सामने। और ये जो है ये हमारी जो है आपा साहिबा, बताएंगी कहाँ चले गई आपा कि क्या है क्या नहीं। वालेकुम सलाम। आज हम बना रहे पिज्जा, टिक्का पिज्जा। टिक्का पिज्जा, ये है डो। दिखाएं जरा डो रखा हुआ। डो हमने पहले ही रख दिया था, तो काफ़ी देर से रखा हुआ था, तो अभी मज़ीद ये अच्छा हो गया। और अब जो है आगे का प्रोसीजर जो है आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, क्या करना है, क्या मामलात हैं। अभी इसकी मैरिनेशन वगैरह होगी, आपा जो है बताते रहेंगे साथ साथ आपको। तो आज समझ लें ये व्लॉग जो है आपा का स्टार्ट हुआ एक तरीके से। काफ़ी दिन बाद जो है आना हुआ, और ये बस ऐसे ही शर्माते रहती हैं, लेकिन खाने बहुत मज़े के बनाती हैं। तो इंशाल्लाह आपको जब वक्तन फ़ावक्तन ये आपा भी साथ दिखते रहेंगी, क्या है क्या नहीं इसमें चल रहा है। तो अभी आगे क्या चलेंगे? अभी हम ये वो करेंगे ना, मैरिनेट करें। चलें स्टार्ट। अब जो है हमने ये बॉल ले लिया, और इसके अंदर जो है चिकन हमने इस पे रख दिए, और इसके बाद जो है आगे के सारे मामला चलते जा रहे हैं। वो मसाला हमने सारा वहाँ रखा था, ये पीसी मिर्च डल रही है इस पे। गरम मसाला डालिएगा थोड़ा सा। ये गरम मसाला आ गया थोड़ा, तो थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब थोड़ा सा इस पे जो है जीरा पाउडर डलेगा। अच्छा वैसे बना क्या रहे हम, ये तो बता दो पहले। टिक्का पिज्ज़ा, ये पिज्ज़ा में जो है टिक्का फ्लेवर बनेगा। आज देख सकते हैं आप लोग, ये पिज़्ज़ा सॉस भी रखा है, मायोनीज, टमाटो केचप, ये चीज़, और ये जो है ये क्या है, मिक्स हर्ब्स। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। ओरिगैनो वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आ गया। ये कुटी मिर्च भी थोड़ा सा डालेगा, ये कुटी मिर्च हाफ स्पून, एक टेबल, एक टीस्पून जो है वो डालेगा लहसुन अदरक, वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लेमन ये डालेगा और ये मैरिनेट हो जाएगा। अब ये लेमन, और उसके बाद जो है हम इसको करेंगे मैरिनेट। हाफ लेमन बहुत है क्योंकि ये बड़े लेमन। हाफ लेमन ले लें आप, अगर छोटा हो तो फिर पूरा एक, अगर बड़ा है तो हाफ ले लें। और इस तरीके से आप मैरिनेट कर लें इसको। अब ये जो है भाई मैरिनेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 15-20 मिनट इसको एज इट इज रखेंगे, क्या कह रही है? 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर पकाएंगे तो आपको दिखाएंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम आपसे कुछ कर लें बात है, क्योंकि बासित भी आया हुआ है साथ। ये देखेंगे अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ करता रहता है। और आज काफ़ी दिनों बाद इसलिए मुलाकात हो रही है कि थोड़े से मामला कुछ ख़राब थे, और ये सब आपको पता है कि क्या कुछ ना कुछ चल रहा होता है यहाँ पर। और रुक जाए, मैं आपको ले कर चलता हूँ, पहले अंधेरा है बिल्कुल। लाइटें वाइटें ऑन कर लें सारी लाइटें। हाँ जी, तो भाई अब जो है रुक जाए, रूम भी बंद कर दूँ। अब जो है भाई मामलात ये थे कि जैसे कि आप लोगों को पता है भतीजी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी भी, भाभी की भी। तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ से सारे इन लोगों की छुट्टी वुट्टी हुई है। उसके बाद कुछ काफ़ी दिनों बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो। तो उसमें जो है जब घर आ गए फिर परेशानी रही, कभी ऐसा होता था कि फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, कुछ ना कुछ मामला चल रहे थे, फिर बच्ची को भी देखना था, तो इन सब मामला में बड़े बिजी हो गए थे। और जाहिर सी बात है जब बंदा हॉस्पिटल और इन सब चक्करों के काट के आता है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, बस अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये वक्त आए बुरा वक्त, अच्छा अच्छा चलता रहे और अच्छा अच्छा दिखाते रहेंगे। और आप लोगों से माजरत भी करता हूँ कि शादी के व्लॉग्स कुछ जो हैं वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो मेरा मोबाइल उस टाइम ख़राब हो गया था बिल्कुल, तो वो जो है व्लॉग नहीं आ पाए। तो ये कोशिश करूँगा कि कहीं से मुझे वीडियोस वगैरह जो मिल जाएं ताकि मैं उसको एडिट करके आप लोगों को दिखा ज़रूर सकूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा था शादी के व्लॉग में। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा एंजॉय आप लोग कर रहे थे,
तो बहुत मजा आ रहा था मुझे वो देखने में। ब्लॉग के व्यूज और सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना तो हमें ज्यादा खुशी होती है, जाहिर सी बात है, आप लोगों का मोहब्बत प्यार सब होती है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से अब जो है ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, इंशाल्लाह प्रॉमिस है, प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये देखें आप जो है हम लोग तेल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है और फ्राई पैन में तेल जा रहा है बस। ईवा अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ। तो ये है आप जो है भाई चलते हैं, अब चूल्हा ऑन हो गया तो हम जाहिर सी बात है ये भी ऑन कर देते हैं और बस। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये भी चल रहा है साथ साथ। ये अभी इसको फ्राई कर रहे हैं हम, फ्राई हो जाए उसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि ये जो है भाई किस तरीके से तैयार हो रहा है। और आज जो हमें खाने को मिलेगा पिज़्ज़ा टिक्का फ्लेवर में, अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसको जो है ना हल्का सा हमने फ्राई कर लिया और ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा हो गया। और इसके साथ साथ हमारी जो एक छोटी पकवान है ये दुआ, ये हमारी लगी हुई है चीज़ को क्रश करने के चक्कर में। ये देखा ये छोटी 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 जो है ना पीसेस निकालनी है। ये देखो ये आपको दुआ अभी असल में मोबाइल की तरफ देखने में लगेंगे इसलिए जो है सारा ध्यान जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया उनका। तो बस ये छोटा छोटा पिज़्ज़ा सा हमारा बन रहा है, छोटा ये नहीं है स्मॉल पिज़्ज़ा। हम पहले ट्राई करेंगे बना के कैसा बन रहा है क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा, टेंशन नहीं है। दुआ अभी फुल लगी हुई है फुल नाइट ऑन। ये देखो ये देख सकते हैं आप लोग, घबराना नहीं है आप लोगों ने, घबराना नहीं है घबराना नहीं है। और ये हमारा तोता जो है टैं 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 करता रहेगा। ये देखें ये देखें ये देखें आप लोगों को दिखाता हूँ तोता, ये चीख रहा है हमारा तोता। ये देखें हाँ भाई मिठू 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 हाँ मिठू बिहारी है, ये मिठू जो है ना बिहारी है हमारा, मेरा बच्चों है। ये चंकी है, ये मंकी है और ये इनके बच्चे हैं दोनों। हाँ भाई तुम्हारा क्या नाम है? डोडो चिंटू मिंटू। ये देखें ये काटता वाटता नहीं है, खैर प्यार करता है डोडो, प्यार करता। इधर आओ आप, इधर आओ, इधर आओ आप, इधर आओ। ये इस तरीके से चल रहा है। ये देखें अब ये पिज्ज़ा सॉस लगाना स्टार्ट हो गया। भाई साहब ये बड़ा लश वश लगने लग गया अभी से ही, लाले लाल लाले लाल। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डलेंगी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब डलेगा इसमें। अब जो है भाई हमने चिकन उठा लिया और चिकन जो है इस तरीके से रख दिया जाएगा इस पर, इसमें भरपूर चिकन रख दी गई है। मुझे लग रहा शायद सारा इसी में डल दिया जाएगा। अब ये इस पे जो है टमाटो रखा जा रहा है, प्याज रख दिया जाएगा इसको। अब अभी जो इस पे चीज थोड़ा सा हमने डाल दिया इसके ऊपर, अब जो है जाहिर सी बात है वो एक चीज ये रह गई है तो भाई ये डालेंगे। और जलेबियां वगैरह सब रह गए इसमें। तो है इसके ऊपर हमने ये क्या है हर्ब्स डालेंगे, कुछ होता होगा खैर मुझे नहीं पता, मिक्स हर्ब थोड़े से डालना है ज्यादा ना। ये क्या है
जलपिनो ऑलिव्स ऑलिव्स अब डालेंगे इसमें, जगह जगह ऑलिव डाल दिए जाएंगे इसमें। ये तो अभी से देखने में इतना लश पश आ रहा है, खाएंगे तो मजा आ जाएगा। वाह 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 वाह, बस बस बस, बहुत ज्यादा ऑलिव डाल दिए इसमें। कम था ना पिज्जा ये, अब इसमें चीज और डाल लिया जाएगा। वाह भाई वाह, फुल चीज ही बन रहा है, तो इसके ऊपर से भी चीज डाल देंगे तो और मजीद चीज ही हो जाएगा। ये हमने जो है इसमें कुटी मिर्च डाल दी है जायके के लिए, आपको पसंद हो आप डाल दें, ना पसंद हो ना डालें। अब इसमें जो है ओरिगैनो डालेगा और एक जो है जलापेनो सीड, ये देखें ये इस तरीके से रख दिया जाएगा। जबरदस्त, ये देखें अब जो है इसमें हमने ऊपर और डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा लुक में इनहेंस कर दिया थोड़ा सा ना ओरिगैनो, अब इसमें डाल रहा बस हल्का ही डालना। और सारे आइटम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड के हैं, कोई हल्का आइटम नहीं है, सब चीजें ब्रांड की यूज हो रही हैं। आपको दिखाएंगे बेक करने के। अब जो है ये तैयार हो गया बेक करने के लिए, अब इंशाल्लाह इसको ओवन में डालेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या सूरत है, हाल इसकी निकलती है। अब जो है भाई हमने इसको ओवन में रख दिया और अब जो है इसको पकने के बाद निकलेंगे, बेक होने के बाद फिर देखेंगे क्या सूरत है हाल है। ये देखें अब हमने ओवन में स्टार्ट कर दिया, इसको अंदर देख सकते हैं आप लोग घूम रहा है वो, और अब जो है कंप्लीट होने के बाद दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब जो है भाई ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। वाह भाई वाह, देख लें आप लोग लश पश, अब इसको बाहर निकालेंगे। चलो भाई बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ये देखें अब जो है हमने इसको निकाल दिया बाहर, अब इसको ट्राई करने का वक्त है इंशाल्लाह, इसको ट्राई करेंगे फिर जो है आप लोगों से मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इस पर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट सब करना है, और खाएंगे हम बाद में खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। फिर आप लोगों से नए ब्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बोलो अल्लाह हाफिज़।